संजय मिश्रा जब एक्टिंग फील्ड में ठीक ठाक एक्टिव थे तब बड़े बीमार हो गए थे। पापा ने खूब देखभाल की लेकिन संजय के ठीक होने के 15 दिन बाद पिताजी की डेथ हो गई। संजय को समझ नहीं आया कि वो इस चीज को कैसे हैंडल करें। तब तक वो गोलमाल वगैरह जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे लेकिन पापा की डेथ के बाद मुंबई जाने के बदले वो ऋषिकेश निकल गए, एक सरदार जी के यहाँ ढाबे पर काम करने लगे। मालिक ने पहचाना नहीं इसलिए काम चलता रहा, लेकिन उस ढाबे पर लोग आते जाते थे तो उन्हें पहचान लेते थे, ऑमलेट खाते, फोटो खिंचाते और चलते बनते। अगर रोहित शेट्टी ऑल द बेस्ट के लिए संजय को ढूंढते नहीं तो आज इस वीडियो का जो इंट्रो है वो कुछ और होता। संजय मिश्रा हीरो नहीं है, एक्टर है। वैसे तो ये अपने में ही एक मुकम्मल चीज़ है लेकिन इसे भी अलग अलग कैटेगरी में तोड़ दिया जाता है। लीड एक्टर, साइड एक्टर, कैरेक्टर एक्टर, जूनियर आर्टिस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। इतने लंबे चौड़े और शानदार करियर के बाद संजय साइड एक्टर वाली कैटेगरी में फिट होते हैं। अब वो एक फिल्म लेकर आ रहे हैं, इसका नाम है कामयाब। संजय इस फिल्म को अपने दिल के बहुत करीब मानते हैं क्योंकि इस फिल्म की कहानी उनके जैसे ही एक साइड एक्टर के बारे में है। तो पहली बात है कि फिल्म की कहानी क्या है। 70-80 के दशक का एक साइड एक्टर है सुधीर, फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाता है। वो बस एक्टिंग करना चाहता है इसलिए करता जाता है। उसे अपने किरदार और करियर की लंबाई से कोई मतलब नहीं है। वो अपने एक फिल्मी किरदार के डायलॉग, इंजॉइंग लाइफ और ऑप्शन क्या है के इर्द गिर्द जी रहा है। लेकिन तभी उसका एक इंटरव्यू होता है। इस समय उसे पता चलता है कि वो 499 फिल्मों में काम कर चुका है। ये फैक्ट उसे बहुत शॉकिंग लगता है। इसके बाद से वो परेशान रहने लगता है क्योंकि नंबर का चक्कर बाबू भैया बस। अब उसे लगता है कि उसकी 500वीं फिल्म कुछ अलग हो, कुछ कमाल होना चाहिए जिसे लंबे समय तक याद रखा जाए। उसे एक फिल्म मिलती है, प्रोड्यूसर से लेकर डायरेक्टर सब इस चीज़ को लेकर कंफर्म है कि ये फिल्म सुधीर के लिए लाइफ चेंजिंग फिल्म होगी। लेकिन उसे वो फिल्म अपने कद के साथ न्याय करने वाली नहीं लगती। इसी मेंटल कॉम्प्लिकेशन में वो फिल्म फैमिली करियर सबसे दूर छिटकने लगता है। इस फिल्म में बेसिकली सिनेमा इतिहास के सभी सो कॉल्ड साइड एक्टर्स को एक ट्रिब्यूट दी जा रही है और ये करने का काम फिलहाल इंडिया का सबसे दिग्गज साइड एक्टर कर रहा है। अब दूसरी बात है कि इसका ट्रेलर कैसा है। हम देखने वालों के लिए कामयाब एक फिल्म है लेकिन इसे बनाने और इसमें काम करने वालों के लिए ये एक मास्टरपीस होगी। आप उसी फील्ड में रहकर वहां की सभी कॉमन चीजों पर सबसे रियलिस्टिक फिल्म बना रहे हैं। इस तरह के किरदार तो शाहरुख खान ने भी निभाए हैं ओम शांति ओम में। अभी हाल ही में आई वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड में ब्रैड पिट जैसे सुपरस्टार ने भी ऑलमोस्ट ऐसा ही एक कैरेक्टर प्ले किया है। उसके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर भी जीता है। लेकिन इस फिल्म का लीड एक्टर एक साइड एक्टर है, यही चीज इस फिल्म को सबसे खास बनाती है। ये कोई फिल्म या ट्रेलर नहीं, फीलिंग है जिससे आप बचने की लाख कोशिश करने के बावजूद रोमांटिसाइज कर ही लेते हैं। इस फिल्म की कमाई मैटर नहीं करती, इस फिल्म का होना ही मेकर्स और एक्टर्स की कमाई है। तीसरी बात, कौन कौन काम कर रहा है फिल्म में। सुपरस्टार साइड किक सुधीर का रोल कर रहे हैं ऑल द बेस्ट में ढूंढू जस्ट चिल करने वाले संजय मिश्रा। फिल्म में कास्टिंग डायरेक्टर का रोल कर रहे हैं दीपक डोबरियाल। दीपक को हमने मन्नू भैया के साथ तन्नू वेड्स मन्नू सीरीज और चुलबुल पांडे के साथ दबंग 2 जैसी फिल्मों में देखा है। आर्टिकल 15, ट्यूबलाइट के अलावा कई साउथ इंडियन फिल्मों में काम कर चुकी ईशा तलवार काम कर रही हैं इसमें। साथ में ओके जानू और बॉम्बे वेलवेट में छोटे छोटे किरदार में नजर आ चुकी सारिका सिंह भी इस फिल्म का हिस्सा है। अगली बात है किसने बनाई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है हार्दिक मेहता ने। हार्दिक इससे पहले गुजराती शॉर्ट फिल्म अहमदाबाद माँ फेमस बना चुके हैं। राजकुमार राव की फिल्म ट्रैप्ड की कहानी इन्होंने ही लिखी थी। राजकुमार राव और जानवी कपूर स्टारर रूही अफजा हार्दिक की बतौर डायरेक्टर दूसरी फिल्म होने वाली है। कामयाब को शाहरुख खान दृश्यम फिल्म के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ ही इसे प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के कंधे पर है। अभी कुछ ही दिन पहले अक्षय कुमार भी स्वानंद किरकिरे की मराठी फिल्म चुंबक के साथ बतौर प्रेजेंटर जुड़े थे। अब पांचवी बात यह है कि कब आ रही है कामयाब। पिछले काफी समय से बनकर तैयार है, देश विदेश में घूम फिर कर इंडिया पहुंची है। इसे दुनिया भर के कुछ पॉपुलर फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया गया है। नाम लेने पर आए तो बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, इंडियन फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वगैरह वगैरह। रिलीज का इंतजार पिछले काफ़ी समय से हो रहा है लेकिन छोटी फिल्मों की रिलीज में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। कामयाब के साथ शाहरुख के जुड़ने की वजह से ये वाली प्रॉब्लम तो कम से कम हट गई है, मतलब रिलीज वाली प्रॉब्लम। अब इंडिया में कामयाब 6
6 मार्च 2020 को रिलीज हो रही है। आप जाएं ट्रेलर देखें, आपको हमारी हाई फाइव की वीडियो कैसी लगी बताएं, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।